हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड एएमयू। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो कहाँ से आई यूनिट, केमिस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होने लगी, ऐसे ही यूनिट थी एटीएम की कि एटीएम को हम प्रेशर के रिगार्डिंग इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं, तो वैसे ही मास के रिगार्डिंग हम एएमयू का इस्तेमाल करते हैं। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल विजिबल है कि जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, सबसे ज्यादा जब केमिस्ट्री पढ़ी जाने लगी, इनको क्लासिफाई करने किया जाने लगा, जैसे 1960 का जो टाइम था, उस टाइम में जब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया तो उन्हें सुटेबल पोजीशन को देने के लिए एटॉमिक मास यूनिट और उनके एटम की मास, एटम का मास को कैसे हम वेरीफाई करें, कैसे हम उसको लाएं, ये देखा जाने लगा। तो कई सारी चीजें थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एटम का मास हम किस में डिफाइन करते हैं, तो आप बोलेंगे कि एटम का मास सर डिफाइन करते हैं हम केजी में। ठीक है, एटम का मास आप अपना वेट बताइए तो बोलेंगे जस्ट 70, 40, 60, 50 ऐसे करके समथिंग में बताते हैं। तो ये क्या हुआ आंसर को मैं क्या मानूंगा कि ये क्या है, रिलेटिवली मास आप हमें बता रहे हैं, एक्यूरेट मास आप हमें नहीं बता रहे हैं कि एक्यूरेट मास क्या होता है और कितना एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल कि सेम टू सेम वही हो। तो इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी थिंग्स नहीं है जिसका एक्यूरेट मास हो। एक्यूरेट सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं रिलेटिवली लेकर के। तो रिलेटिवली मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू किसी, कोई तो रिस्पेक्ट हमें चाहिए ना कि किसी एक को। तो वैसे ही केमिस्ट्री में जब पीरियोडिक टेबल को रखा गया तो इसमें क्या है, विद रिस्पेक्ट में क्या लिया गया, कोई एक एलिमेंट को ले लिया गया। अब उसमें से जैसे हाइड्रोजन को पहले ही क्या किया, रेस्ट में रख दिया और हाइड्रोजन के प्रेफरेंस पे क्या किया गया, आगे की तरफ ये मास निकालते हुए चले गए। बट यहाँ हाइड्रोजन की जो स्टेबल कंडीशन पोजीशन नहीं है, उसमें भी वेरिएशंस होते रहते हैं। तो ऐसा कौन सा वो एलिमेंट है जिसको कंप्लीट उसके ही प्लेस पे रख करके एटम के मास को निकाला गया, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन फिर पूछूंगा कि अगर क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है तो हम क्या चुनते हैं, कैसा मॉनिटर हमारा होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए उसका, दैट मीन कि सबसे ज्यादा सबसे पहले उसकी क्या होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए। दैट मीन कि अब पता चला महीने में एक दिन वो आएगा और आप सब रोज आओगे तो उसे तो कोई नहीं बनाएगा मॉनिटर। बहुत पढ़ने में अच्छा हो, बहुत स्टडी में अच्छा हो, लेकिन महीने में दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दस दिन आने वाला तो मॉनिटर नहीं बनेगा। तो दैट मीन कि जो उसकी रिएक्टिविटी है, दैट मीन कि रिएक्टिविटी जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, इस तरीके से हम बोल दें कि जब कम प्रेजेंटी है उसकी तो लीस्ट रिएक्टिव हुआ, तो लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। कैसा हमें एटॉमिक मास या एएमयू कैलकुलेट करने के लिए ऐसे एटम की जरूरत है जो क्या करे, जो ऐसा हो कि वर्क भी कर रहा हो, प्रेजेंटी भी उतनी हो और स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करे, उसके आइसोटोप्स ना दिखाई दे। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या नहीं होना चाहिए, लीस्ट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस लगा है, लीस्ट लेस रिएक्टिव लिखा हुआ है, दैट मीन कि कम रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। क्लास में अटेंडेंस कम होगी तो दैट मीन कि वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है अगर केमिस्ट्री की भाषा में लेते हैं। फिर आता है मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, पता चला रोज आता है लेकिन वर्क कोई भी उससे नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन कि रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस क्या है रोज ही रास्ता घर से स्कूल, स्कूल से घर, इस तरीके से कॉलेज, कॉलेज से घर, इस तरीके से। मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि देखते ही रिएक्ट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है आइसोटोप, तीसरी चीज है आइसोटोप। यहाँ एबंडेंस लिखा हुआ है, एबंडेंस दैट मीन एग्जिस्टेंस, ये होना चाहिए। दैट मीन की सिमिलरिटी होनी चाहिए कि कोई चीज अगर किसी दूसरा पूछ रहा है तो उसका हेल्प करे वो, दैट मीन की हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, एग्जिस्टिंग नेचर होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एबंडेंट बोलते हैं, जो मोस्टली क्या होता है कई जगहों पर मिलता है और हमें क्या होता है,
दूसरे के साथ में एक हेल्पिंग वैल्यू को भी अपने पार्टिसिपेट करता रहता है। अगला है आइसोटोप। आइसोटोप कम होने चाहिए, दैट मीन कि अब उसी क्लास में क्लास मॉनिटर की कहानी जो सुना रहा था आपको, उसी को ले लीजिए कि क्लास मॉनिटर है, तो क्लास मॉनिटर अगर वो बन गया तो फिर उसके जो दो तीन छोटे भाई बहन अगर उसी क्लास में है तो वो क्या करेगा, पार्शियलिटी करेगा, सबको डांटेगा लेकिन उन तीनों को नहीं डांटेगा जो उसके दो तीन भाई बहन है। क्यों? तो वो उसके क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए, यानी किसी एलिमेंट का पार्टली जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे नाइट्रोजन ले लो 7N14, 7N15, उधर आप दूसरे का ले लो ना कार्बन ले लो, तो कार्बन में भी आपको C12, C13, C14 मिलते हैं। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट आया जो माना गया कि हम इसको बेस मान लेते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, एटम का मास कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि वो उसका एटॉमिक मास है। तो हम मान लिए कि कार्बन 12, दैट मीन कि कार्बन को क्या मान लिया गया, सेंट्रल एटम मान करके, दैट मीन कि रिलेटिवली मास यहां से निकाला गया है। एक्यूरेट मास तो किसी का संभव है नहीं, कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है, चाहे आप 1 किलो एप्पल ले जाइए, लेने जाइए दुकान पे, तो आपको 1 किलो तोल के देखेगा। अगर आपको उसकी वैल्यूएशन चेक करनी है कि 1 kg है, तो दूसरे जगह तोला के देखिए, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, कुछ न कुछ डिफरेंस मास में आता रहता है। तो हम क्या करते हैं, मान के ही आगे चलते हैं। तो 1960 में जो साइंटिस्टों ने पढ़ा तो उसको कार्बन को क्या मान लिया, कार्बन को सेंट्रल एटम मान करके कार्बन के रेफरेंस में ही फिर क्या किया, एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का उन्होंने फॉर्मूला बनाया। तो एनी मास ऑफ यूनिट को हम मान लेते हैं यू, यहाँ पे लिख दिया हूं मैं कि अगर एक एनी एटम, फॉर एनी एटम मास ऑफ यूनिट यू, और एएमयू में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट। अब मास कार्बन को हमने सेंट्रल एटम मान करके क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया, तो दैट मीन कि मास ऑफ कार्बन 12th एटम, यानी कार्बन 12th एटम दिस इज इक्वल टू 12th एएमयू। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके भी आइसोटोप्स होते हैं, तो सर फिर इसको क्यों लिया गया, तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसके जो C13 C14 मिलते हैं, C13 और C14 जो आइसोटोप्स मिलते हैं, दैट मीन कि इसकी अवेलेबिलिटी 1% होती है और इसकी अवेलेबिलिटी 0.5%, दैट मीन कि एक तरीके से नो और नेग्लिजिबल मान लीजिए कि C13 और C14 बहुत कम लेस अमाउंट में हमको मिलता है, सबसे ज्यादा एक्सेस जगह पे 99% पे आपको कार्बन 12 ही मिलेगा। अब कार्बन एबंडेंस भी है किसी के साथ में, आप देखेंगे तो यह मोस्ट ली क्या कर लेता है, कंबाइनमेंट भी दिखाता है। तो कार्बन के 12th एटम का जो एटॉमिक मास आया वो माना गया 12th एएमयू, दैट मीन कि 12 एएमयू यानी एक एटम का जो मास आया वो कितना था, 12 एएमयू, दैट मीन कि 12 एएमयू यानी एक एएमयू के अगर हम वैल्यू निकालें तो ठीक फिर वही बनाने वाला केस आ गया कि अगर हम लेने जा रहे हैं एक दर्जन में 12 केले हैं तो 24 केले लेके आए तो कितने दर्जन हैं, तो प्रेफरेंस से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे फटाक से आ जाएगा 2 dozen, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट दिस इज इक्वल टू कार्बन मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12। अब मास ऑफ कार्बन एटम दिस इज डिवाइडेड 12, अब कार्बन के एटम को अगर हम 1 मान लें कि एक एटम है, तो ये हो गया 1/12, दिस इज द यूनिक फॉर्मूला फॉर एएमयू, कि एक एएमयू में कार्बन 12th के ए 1/12 पार्ट होता है, कार्बन का 1/12 जो पार्ट होता है वही एक एएमयू के क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। अब आते हैं कि अगर 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मा, तो देन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर हम निकालेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 12 AMU है, तो हम ये क्या हो जाएगा, अगर एक मोल में लेंगे तो एक मोल में कितना आएगा, 12 ग्राम, दैट मीन कि 12 ग्राम पर मोल मिलेगा हमको। अब अगर इसी को जैसे हमें फॉर्मूला मिला है
कि जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे एक एटम कितने 12 ग्राम पर मोल है, दैट मीन कि इसको हम लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10^23 कार्बन 12th एटम इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक एटम C12 का है तो यहाँ पे एक मोल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना आ रहा है 12 ग्राम, तो एक एटम का कितना आ रहा है 12 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 12, दैट मीन की फॉर्मूला क्या बना, C12 मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाई